10th class, welcome to my next class. In the last class we have discussed about the geography chapter number 1. I hope my videos and all the contents I provided you was very helpful for you. Now today we are going for the next chapter, and this chapter is related with the political science named power sharing. पावर शेयरिंग इस चैप्टर का नाम है जो कि हमारा पॉलिटिकल साइंस का फर्स्ट चैप्टर है. इस चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से पॉलिटिकली हम पावर को डिवाइड करके और एक अच्छा एडमिनिस्ट्रेशन क्रिएट कर सकते हैं. सबसे पहली बात आती है पावर शेयरिंग क्या है. पावर शेयरिंग इज़ अ प्रोसेस. पावर शेयरिंग इज़ अ प्रोसेस. पावर शेयरिंग एक प्रोसेस है ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर एमंग द ऑर्गन ऑफ गवर्नमेंट एंड डिफरेंट लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट एस. ये क्या है पावर शेयरिंग. जो एक प्रोसेस है जो कि गवर्नमेंट के अलग अलग ऑर्गन्स और उसके अलग अलग लेवल्स के बीच में पावर का डिवाइडेशन है. इससे ज़्यादा कुछ नहीं है. इसको आप इस तरीके से समझ सकते हैं कि स्कूल जैसे आप पढ़ते हैं, सो स्कूल को आप समझ सकते हैं कि स्कूल से हम इसको डिसाइड करेंगे. कैसे करेंगे. स्कूल में क्या होता है, आप सब लोग होते हैं, स्टूडेंट्स होते हैं, साथ में क्या होते हैं प्रिंसिपल सर होते हैं. अब प्रिंसिपल सर अगर वो चाहे कि पूरी स्कूल को मैं अकेला हैंडल करूं, पॉसिबल नहीं है, हो ही नहीं सकता. करेंगे कैसे, तो क्या करते हैं वो अपने लिए असिस्टेंट टीचर्स को अपॉइंट करते हैं. अब जो असिस्टेंट टीचर होते हैं वो भी सारा कुछ अपने आप नहीं कर सकते, तो वो क्या करते हैं वो नेक्स्ट लेवल पर यानी कि मॉनिटर्स को अपॉइंट करते हैं और वहाँ पर पावर शेयरिंग करते हैं. इसका मतलब क्या है कि टीचर प्रिंसिपल का जो वर्क है वो एडमिनिस्ट्रेशन का है. वो सारे टीचर्स को एडमिनिस्ट्रेशन में अंडर में लाते हैं, उनसे वर्क कराते हैं, मॉनिटर्स से टीचर्स कराते हैं. तो ये क्या हो गया पावर शेयरिंग हो गई. अब पावर शेयरिंग होती कैसे है, हमने कह तो दिया पावर शेयरिंग होगी. अब पावर शेयरिंग क्या है, वो प्रसाद थोड़े ना कि लो सब में थोड़ा थोड़ा बांट दो, ऐसा नहीं है ना. कैसे पावर शेयरिंग का एक प्रोसेस है. क्या से प्रोसेस है वो देखिए. सबसे पहले क्या है, हम जो पावर शेयरिंग का जो प्रोसेस है उसको हम कहते हैं दो तरीके से होता है. पहला तो होता है हमारा वर्टिकली और दूसरा होता है हॉरिजेंटली. पहले वर्टिकली हम डिस्कस करेंगे. तो वर्टिकली भी क्या होता है, तीन अलग अलग ऑर्गन्स गवर्नमेंट के यहाँ पर वर्क करते हैं. फर्स्ट वन लेजिस्लेचर, सेकंड वन एग्जीक्यूटिव, थर्ड वन जुडिशियरी. लेजिस्लेचर जो कि रूल्स रेगुलेशन बिल्टअप करने का वर्क करता है. उसका काम क्या होता है, रूल्स रेगुलेशन को बिल्टअप करना, सिर्फ उसको बनाना, अमेंडमेंट करना. कोई ऐसा कानून जो नए कानून की ज़रूरत है वो कानून बनाया जाए, जो पुराना कानून है जिसकी अब ज़रूरत नहीं है उसको हटा दिया जाए. लेकिन कुछ कानून ऐसे होंगे जिनको लगता है कि हाँ यार इसकी ज़रूरत है भी और नहीं भी, थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट हो जाए तो ज़्यादा बेटर हो जाएगा. सो वो सारा वर्क लेजिस्लेचर का होगा. सेकंड एग्जीक्यूटिव, एग्जीक्यूटिव कानून बन गया उसको अप्लाई कराना है, तो वो सारा काम किसका होगा, एग्जीक्यूटिव का होगा. और थर्ड वर्क जो होता है वो जुडिशियरी. अगर मान लीजिए अप्लाई सही तरीके से नहीं हो रहा है, कोई कानून का पालन नहीं कर रहा है, कोई रूल्स को ब्रेक कर रहा है, उस पोजिशन में क्या होगा, वहाँ पर पनिशमेंट दिया जाएगा. और पनिशमेंट कितना देना है, किसको देना है, कैसे देना है, वो सारा काम किसका है, जुडिशियरी का है. अब बात आती है एग्जीक्यूटिव. एग्जीक्यूटिव हमारे दो तरीके के एग्जीक्यूटिव होते हैं. कौन कौन से होते हैं, टेम्प्रेरी और परमानेंट एग्जीक्यूटिव. अब टेम्प्रेरी एग्जीक्यूटिव कौन से होते हैं, देखिए जितने भी पॉलिटिकल लीडर्स हैं, जितने भी पॉलिटिकल लीडर्स हैं सारे के सारे क्या होंगे, टेम्प्रेरी एग्जीक्यूटिव हैं. आज हैं कल नहीं है, एक फिक्स टेन्यूर के बाद होते हैं, फिर उसके बाद इलेक्शन होगा, हार गए तो दोबारा नहीं आ रहे, हार गए तो फिर आएंगे, इसको मतलब फिक्सेशन नहीं है. दूसरे होते हैं परमानेंट एग्जीक्यूटिव. परमानेंट एग्जीक्यूटिव कौन से होते हैं, वो सारे जो कि सिविल सर्वेंट्स होते हैं, जस्ट लाइक IAS PCS, ये सारे लोग जो होते हैं ये परमानेंट एग्जीक्यूटिव होते हैं. एक बार अपॉइंटमेंट हो गया तो उसके बाद रिटायरमेंट के बाद ही होगा, दोबारा वापसी का कोई भी चांस नहीं है. सो ये हमारा हो गया वर्टिकल, ऊपर से नीचे, सॉरी हॉरिजॉन्टल, एक ही लेवल पर पैरेलल है. इसके बाद आता है वर्टिकल. वर्टिकल में क्या होता है, तीन तरीके का इसमें भी डिवाइडेशन है. पहला है यूनियन लेवल. यूनियन लेवल दैट मीन्स जो आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट की पावर डिवाइड होगी स्टेट गवर्नमेंट में. इसका मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट अपनी पावर को डिस्ट्रीब्यूट कर लेती है और वो क्या करती है, स्टेट लेवल को अपनी पावर दे देती है. स्टेट लेवल को उसी के आगे डिसाइड किया जाता है और लोकल लेवल पर. तो यहाँ पर देखिए सबसे ज़्यादा पावर होती है यूनियन लेवल पर यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट के पास, फिर उससे कम पावर होती है स्टेट लेवल यानी कि स्टेट गवर्नमेंट के पास, और उसके बाद नेक्स्ट लेवल इज़ द लोकल लेवल. यहाँ पर क्या होगा, लोकल लेवल के पास और ज़्यादा कम पावर होती है. नेक्स्ट हम आपको देख रहे हैं
तो नेक्स्ट होता है एथनिक। अब एक वर्ड है एथनिक, क्या होता है एथनिक का मतलब होता है एक ऐसा सोशल डिवीज़न जो कि कॉमन कल्चर को बेस करता है, जो कि रिलीजन भी हो सकता है, लैंग्वेज बेस पर भी हो सकता है, और इसको एक लंबे टाइम पीरियड तक लोग आपस में शेयर करते हैं। अभी आपको अच्छे से समझ तो आया नहीं होगा, तो इसको अच्छे से समझने के लिए हम क्या करेंगे, हम दो अलग अलग कंट्रीज़ लेंगे और उन कंट्री का आपको एथनिक कंपोजिशन, वहाँ पर प्रॉब्लम क्रिएशन और उसके बाद उसका रेजोल्यूशन हम आपको समझाएंगे। तो हम दो कंट्री लेंगे, बेल्जियम और श्रीलंका, लेकिन वो हम इस वीडियो में नहीं ले सकते। सो वो सब हम कहाँ करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में। अभी इस वीडियो में यही सब कुछ रहेगा। टिल देन स्टे होम एंड बी हैप्पी। थैंक यू।